चलिए आज बनाते हैं रुमाली रोटी और छोले मसाले की रेसिपी। तो है गाइस अस्सलाम वालेकुम। इसे बनाने के लिए मैंने लिया था एक बाउल, इसमें डाल दिया था एक कप मैदा और आधे कप गेहूं का आटा, 3 से 4 चम्मच तेल, ज़रा सा नमक डालकर इसे आधा कप दूध और आधा कप पानी को मैंने गुनगुना करके रख दिया था। और इसी से हमें इस डो को तैयार करना, इसी से हमने कर लिया था डो को तैयार। इसे तेल डाल के मुक्का मार कर मैंने इसे डो को तैयार करके रख दिया था ढककर 1 घंटे के लिए। चलिए बना लेते हैं छोले को। छोले बनाने के लिए मैंने चढ़ा दिया था एक पैन, इसमें डाल दिया था तेल और कुछ खड़े गरम मसाला, तेज़पत्ता डालकर उसके बाद डाल दिया था प्याज, टमाटर, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया, जीरा, ये सब कुछ डालकर गरम मसाला, छोले मसाला डालकर हमें इसे एक अच्छा सा मसाला को भून कर लिया था तैयार। छोले मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था, बस इसमें डाल दिया था छोले को। छोला डालकर मैंने इसमें ज़रा सा पानी डालकर एक उबाल आने के लिए रख दिया था। पनीर को भी मैंने इसमें शामिल किया। तो अगर आप बगैर पनीर का बनाना चाहते हो तो इसे बगैर पनीर का बना सकते हैं। तो छोले हमारा अच्छी तरह से एकदम गल चुका, तो उसमें डाल दिया था छोटे क्यूब में पनीर डालकर इसमें डाल दिया था 1 चम्मच मक्खन। मक्खन डालने से आपका ये इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। बस बटर डालने के बाद मैंने इसे 1 मिनट के लिए ढककर इसे कर दिया था गैस को बंद। अब बारी थी रोटी बनाने की, तो बस इसके लिए मैंने चढ़ा दिया था एक पैन और उसमें इसके लिए बनाया था मैंने एक घोल नमक और पानी का। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस एक छोटे साइज का पेड़ा ले और उसके एकदम पतला बारीक सा रोटी बेलकर आप इसके ऊपर नमक पानी लगाकर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको नॉनस्टिक पैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था और एक तरफ जैसे ही बबल आया तो बस दूसरी तरफ पलटकर हमें उतार लेना। ये बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी बनी थी, आप इसे अपने घर में एक बार ज़रूर बनाइए। बस हमारा खाना बनकर हो गया था रेडी। आप लोगों को कैसा लगा, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।